सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 2023 में कई बार लगने वाले हैं। तो इस साल का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा और चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है, यानी इस साल 2023 में कितनी बार सूर्य ग्रहण है, कितनी बार चंद्र ग्रहण लगेगा और इसकी क्या डेट है, जानेंगे इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार ग्रहण कितनी तारीख को कितने बजे लगेगा सब कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जी हां दोस्तों, वर्ष 2023 की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में आपको जानना बेहद जरूरी है कि इस साल कब कब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेगा, तारीख क्या होगी, समय क्या होगा, जानेंगे इस वीडियो में। आपको बता दें ज्योतिष गणना के अनुसार वर्ष 2023 में कुल 4 ग्रहण लगने वाला है, 2 सूर्य ग्रहण होगा और 2 चंद्र ग्रहण होगा। इस साल लगने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहणों की लिस्ट आप देख सकते हैं। पहला ग्रहण दोस्तों बता दे तो आपको सूर्य ग्रहण होगा जो 20 अप्रैल 2023 को लगेगा, यानी अप्रैल की 20 तारीख को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये गुरुवार के दिन लगेगा। सूर्य ग्रहण सुबह 7 बजे से ही लगना शुरू हो जाएगा और दोपहर 12:29 तक रहेगा। हालांकि यह भारत में दिखाई नहीं देगा। वही बात कर ले दूसरे ग्रहण की तो 2023 में पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगेगा, यानी आपको बता दें दोस्तों अप्रैल के बाद ही मई में दूसरा ग्रहण भी लग रहा है। बैक टू बैक 2 ग्रहण लगेंगे। आपको बता दें सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद ही ग्रहण लगने वाला है। रात 8:45 पर लगेगा और 1 बजे समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है, इसलिए जो गर्भवती महिलाएं वगैरह है वो थोड़ा अलर्ट रहे। इसके साथ ही दोस्तों तीसरा ग्रहण जो लगेगा वो 14 अक्टूबर को लगने वाला है, जो कि सूर्य ग्रहण होगा और ये शनिवार के दिन लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यह ग्रहण पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, आर्कटिक सभी जगहों पर देखा जा सकेगा। चौथा ग्रहण दोस्तों साल का आखिरी ग्रहण होगा जो 29 अक्टूबर को ही लगेगा, यानी आप बता दें दोस्तों एक ही महीने में 2 बार ग्रहण लग रहे हैं, 14 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को। जी हां दोस्तों, चंद्र ग्रहण दोपहर 1 बजे लगेगा, दोपहर 2:22 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और ये मान्य होगा, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसमें अलर्ट होना है। यानी कि ये कुल 4 ग्रहण है जो लगने वाले हैं। अप्रैल मई में लग रहे हैं 2 ग्रहण और अक्टूबर में 2 ग्रहण लग रहे हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, मैंने टाइम भी बता दिया है। वैसे आपको अगले वीडियो में और जानकारी मिल जाएगी जिसमें ग्रहण में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आपको बताएंगे, क्योंकि आपको ग्रहण में या गर्भवती महिलाओं को ग्रहण में काफी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, ऐसी जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।